नमस्कार मित्रों, आज 30 मई है। आज के कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हमारे इस कार्यक्रम में रंगकर्म, सेला गौण नृत्य, उबाटी लहकी नृत्य, लोकगीत, ठाट्या लोक नृत्य, टिमकी वादन, गज़ल और दूसरे नृत्यों की प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। आज के कलाकारों में हमने भोपाल से, अनूपपुर से, डिंडोरी से, आगर मालवा, बैतूल और कटनी से चयन किया है। इन कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ संयोजित करके हमको भेजी हैं, जो हम उसको आंशिक परिष्कार करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर पिछले दिनों में लगातार आपकी संख्या बढ़ी है, आप लोग जुड़े हैं और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक मित्र, अधिक से अधिक कला रसी को रुझान रखने वाले इससे जुड़ें और इस पूरे प्रकल्प को अपना प्रोत्साहन प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है। मैं भोपाल, मध्य प्रदेश रंगमंच से हूँ और पिछले 7 वर्षों से निरंतर रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ और सक्रिय हूँ। तो मेरा ये जो एक्ट है वो मेरे ही एक नाटक का अंश है। तो आइए शुरू करते हैं। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना। पहले पहले कितना बोझ रहता था मेरे मन पर, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। देखो, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लोरी लिखी है। तुम मुझे डायलॉग याद करने में मदद करोगे प्लीज? हाँ, why not? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है? बड़ा सा वो रहते हो एक ही चार दीवारी जूते की नोक पर, हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, फिजूल वाहिया, धुंधले हो जाते हैं सब रिश्ते और सब जज्बे, बस छन, शीशे की छन। सुनी है तुमने, बहुत भली लगती है, नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन ढेर सारे उठाओ बारी बारी से और छन छन छन। वेरी गुड श्रद्धा, तुम तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हो, आगे करें? हाँ, आगे की लाइन क्या है मेरी? यह घर वाकई में। हाँ, ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं सब या नौकर है? एक बहुत होशियार है। शादी क्यों नहीं करते? अभी मिली नहीं कोई पसंद की। कैसी चाहते हैं? अंदाजा तो लगा लेती हो तुम। लगा लिया है क्या? उस घर के लायक हो जो। कैसी कैसी? वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। शादी वाली? शादी वाली नहीं राज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या पूछो ना। क्या मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से नहीं हूँ क्या? ये फिजूल का सवाल क्यों? मुझे श्रद्धा मेहरा, आई एम नॉट अ थिएटर मैन। अब इतना जानता हूँ कि आपकी ये जो राइटर हैं श्री सुरेंद्र मिश्रा, और उनका जो नाटक है शनिवार को 2 बजे, बड़ा ही यथार्थवादी नाटक है। यह हर जरूरी, यहाँ पर जरूरी नहीं इसकी हर बात सब पर लागू होती हो। तुम एक संपूर्ण पत्नी हो, प्रेमिका हो और मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। फिर हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही हूँ कुछ? किसने कहा यार, यू आर रियली परफेक्ट वाइफ, बस थोड़ी सी मासूम हो। नहीं रात, मैं जानती हूँ मुझ में बहुत सारी कमी है और उन्हें सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। तो करो, मैं तुम्हें पंख देता हूँ इस उड़ान के लिए, उड़ो, किसने रोका है? यही तो समझ नहीं आता कि मुझे क्या रोकता और क्यों। मतलब प्लीज राज, तुम समझोगे ना जो मैं कहना चाहती हूँ? हाँ, जानते हो जब से मैंने होश संभाला, एक्टिंग ही मेरा जुनून। थैंक
पर जब अचानक से तुम मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा कि मेरा जुनून तो तुम, और एक ही मकसद कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाए। और जब हम एक हो गए तो लगा कि हम जुड़ नहीं रहे, एक हल्का सा अधूरापन हमेशा हमारे रिश्ते में अखरता। बस यही अधूरापन मेरी उड़ान के पर कतरता। मुझे नहीं पता राज ये कि रिश्ते मेरी उड़ान के पर कतर रहे हैं या कि सब मेरी अपनी कमजोरी। तुम रुको नहीं, बोलती रहो। मैं ये सब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में है। और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इस बात को झूठ के साथ खुश भी रहूं? ये सब तो तुम्हें परेशान कर ही रहा है ना, तुम बोलती रहो। कमाल है यार, तुम कहो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। यही है वो रिएक्शन, यही है वो स्थितियां, यही है तुम्हारी बेचारगी जो मुझे रोकती है, मेरी उड़ान के पर कतरती है। श्रद्धा, क्यों तुम एक ही बात को बार बार करती हो यार? क्या गलत हुआ है हमारे बीच अब तक? प्लीज देखो, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, ये तुम्हारा प्यार मुझे और कमजोर बनाता है। श्रद्धा, जानती हो तुम क्या कर रही हो? नहीं जानती, पर यार मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ। Thank you.
भागोधारियन भोजन नहीं खाया मेरे कोई कहे में दूधा बोधारी अन भोजन नहीं खाया हो हर कई कई मुनि कंद मूल फल खाए कई कई मुनि कंद मूल फल खाए झूठा ही ढोंग लगावे रे और साधु ब्रह्म का भेद नहीं पाया विधवा वो नारी ने अमावस बोले है परनी ने पूनम बतावे हो जी भाई मारा विधवा नारी ने तो अमावस बोले है परनी के पूनम बतावे हो जी हे अखंड कवारी ने ग्यारह सबोले हे अखंड कवारी ने ग्यारह सबोले परानी के पूनम बतावे रे मोर साधु भाई ब्रह्म का भेद नहीं पाया कई कई मुनि सिर पर जटाओ बढ़ावे बड़का तो दूध लगावे हो भाई कई कई मुनि सिर पर जटाओ बढ़ावे बड़का तो दूध लगावे हो कई कई मुनि ओंद मुख अग्नि में झूली रहा है कई कई मुनि ओंद मुख अग्नि में झूले रहा है यो कई मुख की कुमार गे मोरे साधु भाई ब्रह्म का भेद नहीं पाया ब्रह्म का भेद नहीं पाया रे मोरे साधु भाई ब्रह्म का
नमस्कार, मैं शुभम यादव आप सभी के बीच में एक शकील बदायूनी जी की गजल पेश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
को तारा। अरे कभी दया ने कह गई कि गाता अल्लाह राम। अरे कागा सब तन खाइयो रे और चुन चुन खाइयो माँ की दो नैना ने खाइयो रे मुहे पिया मिल की आ। अरे ढीमरा कीने में के दौदान। अरे ढीमरा कीने में के दौदान। अरे Palamu nayo, palamu nayo, palamu nayo, palamu nayo.